बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन मलाई पाया। इसके लिए हम 8 पाए हैं ये। इसको हम अच्छा आटे से आटा लगा के इसको रख दिए थे। इसके बाद हम इसको अच्छा वॉश कर लिए। अब इसमें हम ये देखिए 50 ग्राम काजू है, 50 ग्राम बादाम है और ये 8 हरी मिर्च है। हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, इन दोनों का पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्ची को भी पीस लेंगे। देखिए हम पायों में डालेंगे ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है और ये देखिए हम 1 टीस्पून असली घी डालेंगे। 2 ग्लास पानी डाल देंगे। 2 ग्लास पानी डाल के इसको गलने के लिए चढ़ा देंगे अच्छी तरीके से गलने के लिए। फुल फ्लेम पे 1-2 सीटी आने के बाद मीडियम फ्लेम पे रख के इसको हम अच्छा पूरा गले तक। ये देखिए हम अब बना रहे हैं मलाई पाया। इसके लिए हम ये 2 टेबलस्पून फुल असली घी डाल दिए। ये देखिए 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। अब हम इसमें ये खड़े गरम मसाले डालेंगे। ये देखिए 4 इलायची है, 5-6 लौंग है और काली मिर्च है 8-10। ये 6-7 कबाब चीनी है, 4 दालचीनी पीसेस है। अब ये हम 3 मीडियम साइज की प्याज को हम लाइट फ्राई कर लिए थे, फ्राई करके उसको ऐड कर लिए। अब ये भी डाल देंगे इसमें। टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसको अच्छा भूनेंगे। ये देखिए काजू बादाम का पेस्ट डालेंगे इसमें। ये देखिए इसको अच्छा भूनेंगे। ये 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। देखिए हमारे पाए अच्छे गल गए। ये देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम 1 टीस्पून फुल गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये पाए गले हुए डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छा मिक्स करेंगे। अब इसमें इसको हम, मेरे पास फ्रेश मलाई है, मैं इसको मलाई में मलाई डालूंगी। 2 टेबलस्पून फुल मलाई डालेंगे। नमक भी टेस्ट कर सकते हैं आप, अगर कम है तो नमक डाल सकते। अब इसमें हम ग्रेवी करेंगे। ये देखिए हम 1 ग्लास पानी डाले इसमें, टेस्ट करें। हम नमक भी डाल दिए थोड़ा। ये पाया रेडी हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये मटन मलाई पाया रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।